नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाबेलिन कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्रेगाबेलिन कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और प्रेगाबेलिन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, त्वचा का सुन्न पड़ जाना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा मिर्गी और फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी प्रेगाबेलिन कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और शरीर में थकान हो सकती है। प्रेगाबेलिन एक सॉल्ट नेम है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लाइरिका आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल 50 mg, 75 mg और 150 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाबेलिन कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगाबेलिन कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाबेलिन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रेगाबेलिन कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में प्रेगाबेलिन कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिर चकराना, कब्ज, मुंह में सूखापन, ध्यान लगाने में परेशानी होना और शरीर में थकान हो सकती है। अगर आपको प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। प्रेगाबेलिन कैप्सूल के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगाबेलिन कैप्सूल के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए प्रेगाबेलिन कैप्सूल के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को प्रेगाबेलिन कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेगाबेलिन कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं प्रेगाबेलिन कैप्सूल को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रेगाबेलिन कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रेगाबेलिन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रेगाबेलिन कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका प्रेगाबेलिन कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।